बेचा उनके साथ आओ, बाजियों के साथ साथ आओ, जाओ बाजियों के साथ साथ हो जाओ, जाओ जाओ जाओ। दोस्तों रैली इस वक्त जा रही है सुभाष असेंबली की तरफ, एहतजाजी धरना है तहरीक वाली बोला मेडिकल कॉलेज का। Yeah.
करो, बहाल करो, पीएमसी बहाल करो, ओबीसी को, ओबीसी को, बिल्कुल आप लोग बेफिक्र हो जाए। हम लोगों का 7 महीने से एक साथ चल रहे हैं, एक दिन का बात नहीं। हम लोगों को बस यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर। नहीं नहीं, हम लोग इधर ही सर जी, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोगों का 1 साल से वो चल रहे हैं यार, एक दिन का काम नहीं है। आ जाए, आ जाए, यहाँ पर इधर बैठ जाएंगे बस। इधर हम बैठेंगे, हम लोग अंदर तो नहीं जाएंगे यार, इधर बैठ जाएंगे, इधर यार। आपको बोल रहे हैं इस गेट से आगे नहीं जाओ, मैं नहीं सर जी, यहीं पर बैठ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असेंबली के सामने ये धरना पहुंच चुका है। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के सामने धरना पहुंच चुका है। ये धरने में शिरका है, बच्चे भी आए हुए हैं। ये धरने के अंदर खवातीन की तादाद मौजूद है धरने में। ये वाला मेडिकल कॉलेज को बहाली के लिए इसको सूबाई असम्बली के सामने धरना दिया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुँच जाए। वीडियो को ग्रुप्स में और अपनी आईडी पर शेयर करते जाएं। दोस्तों यहाँ पर बला मेडिकल कॉलेज बहाली के लिए सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के सामने धरना हो रहा है और बलूचिस्तान सूबाई असम्बली का आज बजट सेशन है। यहाँ पर याद रहे कि तहरीक बहाली के साथ फरवरी 2019 में 13 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2019 को मुआहदा किया था। उस मुआहदे के तहत तमाम मुतालबात हल होने थे और यह तय पाया था कि बला मेडिकल कॉलेज को बहाल करके सरकार के तहत जेर इंतज़ाम लाया जाएगा, हुकूमत के जेर इंतज़ाम लाया जाएगा, लेकिन उस पर किसी किस्म का नहीं हो सका। या आज फिर एक बार इस शदीद गर्मी में ये धरना दिया जा रहा है यहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली के बाहर। और जो साथी भी हैं, मैं अपील करूँगा तरक्की पसंद क़ुव्वतों से, तलबा तंजीमों से और मुलाज़मीन से और ट्रेड यूनियन से कि वो हमारे धरने को ज्वाइन करें, आए यहाँ पर शिरकत करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँच सके। यहाँ पर पुलिस की जानिब से कुछ रुकावट डाली जा रही है। यहाँ पर बात शुरू हुई पुलिस के साथ, यहाँ पर बात करते हैं। मारो, बोलो जोर से, बोलो हक दो, हक दो, बोलो जोर से, हक दो। शो मक्को दे, एक धक्का और दो। दोस्तों बलूचिस्तान असेंबली के सामने ये मुजाहरा हो रहा है, ये धरना दिया जा रहा है
बलूचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाजी धरना है तहरीके बहाली भोला मेडिकल कॉलेज की जानिब से, जिसमें तुलबा भी मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौजूद है और बड़ी तादाद में मुलाजमीन भी है, ख़वातीन भी है, इसमें बच्चे भी मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं जो फरवरी 2019 में हुकूमत ने के साथ मुआहदा किया गया था, जिसमें 13 फरवरी को 4 सूबाई वज़रा ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से मजीद 27 फरवरी को 3 नुमाइंदे आए गए थे, भिजवाए गए थे, जिनको अदालत की सरपरस्ती हासिल थी चीफ जस्टिस की, उन्होंने भिजवाए थे और गवर्नमेंट के और चीफ जस्टिस की सरपरस्ती में वो तीन अराकीन कमेटी आई थी, उन्होंने मुआहदा किया तहरीरी, लेकिन इस मुआहदे पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो 40 दिन का टाइम उसमें मांगा गया था, लेकिन 40 दिन गुजरने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज 40 दिन के बजाय 3 महीने ऊपर गुजर चुके हैं, यानी 6 अप्रैल को वो टाइम पूरा हो चुका था, लेकिन आज जून है और 20 जून का आ गया दिन, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा मजबूरन दोबारा मुलाजमीन और तुलबा एहतजाज पर हैं और यहाँ सूबाई असम्बली के सामने मौजूद है। यहाँ पर पुलिस की जानिब से रुकावटें हैं, आगे नहीं जाने दे रहे। ये सूबाई असम्बली का गेट है, पहला वाला गेट जहाँ पर हम मौजूद है, अगला गेट वो है और ये बलूचिस्तान असम्बली का सामने ये साथी मौजूद है। ये पुलिस की बड़ी तादाद आई हुई है और ये तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, ट्रक जो गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर पुलिस की तरफ से वायलेंस का ख़तरा है और दोस्तों इस आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचाएँ। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियों के लिए गाड़ियां लाई जा रही है, ट्रक आ रहे हैं और यहां पर रुकावटें सरकार की तरफ से डाली जा रही है। पुरामन एहतजाज में रुकावट डाली जा रही है, पुरामन एहतजाज में रुकावट डाली जा रही है हुकूमत की जानिब से। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी आवाज़ उठाएँ सोशल मीडिया पर। यहाँ पर पुरामन एहतजाजी धरना जारी है सूबाई असम्बली के सामने बोला मेडिकल कॉलेज बहाली के लिए और किए गए मुआहदे पर अमल दरामद के लिए। याद रहे कि ये मुआहदा फरवरी में गवर्नमेंट के साथ किया गया था 13 फरवरी को और उसके बाद 27 फरवरी को एक और मुआहदा गवर्नमेंट के साथ किया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका और आज तक मुलाजमीन जो है और तुलबा इस्तेसाल का शिकार हो रहे हैं। नाअहल इंतज़ामिया जो यूनिवर्सिटी की नाअहल इंतज़ामिया है वो अपनी नाकामियों का मलबा तुलबा और मुलाजमीन पर डालने की कोशिश कर रही है। ये जो इंतज़ामिया है इन्होंने इदारे को तबाह करके रख दिया, ज़ाती पसंद नापसंद के पॉलिसी के तहत इदारे को चलाया जा रहा है। इदारे में किसी किस्म का तरक्याती काम नज़र नहीं होता नज़र आ रहा है, नहीं किसी किस्म का यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई काम होता नज़र आ रहा है, नहीं इम्तहानात के हवाले से, नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन या जो आला तालीमी कोर्सेज़ है या क्वालिटी अश्योरेंस है या क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से किसी किस्म का काम होता नज़र नहीं आ रहा है, सिवा है तुलबा और मुलाजमीन के ऊपर जबर करने के। याद रहे कि इंतज़ामिया मुकम्मल गुंडागर्दी पर उतर आई है, गैर कानूनी हरकतों इकदाम में मुलविस है इंतज़ामिया और अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुलाजमीन और तलबा का मुसलसल इस्तेसाल कर रही है। यहाँ से पुलिस की जानिब से हमें हमारे को रुकावटें डाली जा रही है धरने के ऊपर। यहाँ पर ये गाड़ियाँ आ गई हैं जिससे शायद गिरफ्तारी का खदशा हो और ये गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप्स में और अपने आईडी पर भी, ताकि बहुत से अलाकाम तक और दुनिया तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, इस्लामाबाद तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जा सके। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस्लामाबाद में इस वक्त APC का इजलास जारी है, गुजारिश है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाए, APC तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस शुरू है इस्लामाबाद में, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए कि यहाँ पर मुलाजमीन और तुलबा सरापा एहतजाज है, सरापा एहतजाज है। गवर्नमेंट ने बार बार उनसे हमसे मुआहदे किए लेकिन उस मुआहदों को की पामाली करते रहे हैं बार बार। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस सूबाई असम्बली के सामने पुरामन एहतजाज जारी है, ये मुजाहिरीन यहाँ पर बैठ करके पुरामन धरना देना चाहते हैं लेकिन उनको यहाँ पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। डर जाओ, डर जाओ, बीएमसी बहाल करो। दूसरा वीडियो। अच्छा।